जंगल में एक दिन शेर शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा खाली थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं छुप कर बैठता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफा एक गीदड़ की थी। जब वह लौट कर आया और गुफा के पास पहुंचा, तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे यह भी शक था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। यह पता लगाने कि शेर गुफा में बैठा है या नहीं, गीदड़ ने एक उपाय सोचा। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची, तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफा कुछ न बोली तो कहीं गीदड़ को शक न हो जाए और वह वापस न चला जाए। इसलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया। वह उल्टे पैर वहाँ से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ ने अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता, शिकार उसके हाथ से निकल चुका था।